ठीक है, सिविक्स की बुक का जो थर्ड चैप्टर है वो हमें देखना है हमारा। तो आप लोगों के पास बुक्स है ना, कल लेके आएंगे। लक्षिता बुक है बेटा, तो आज आप बेटा सुन लो, आप मुझे कल आज इवनिंग तक बता देना आपके पास बुक है या नहीं है। अगर बुक नहीं होगी तो मैं पिक क्लिक करके स्क्रीन पे शेयर करके फिर रीड कराऊंगी, ठीक है। तो आज मुझे आपके पता नहीं था आपके पास बुक नहीं है, तो आज आप ऐसे सुन लीजिए, कल मैं अगर नहीं लेके आएंगे तो आपको 100% अपना करना है कि आपको कहीं ना कहीं से बुक अरेंज करनी है। अगर नहीं हो पाती तो मैं आपको जो वीडियो है वो, जो पिक्स है वो शेयर कर दूंगी स्क्रीन पे, और उसके बाद में आप उसको समझ लेंगे, ठीक है। तो हमारा जो थर्ड चैप्टर है सिविक्स का वो है संसदीय सरकार कैसे और क्यों। मैंने आपको बताया था, सोनिया बेटा म्यूट कर लीजिए आप अपना। मैंने आपको बताया था बेटा कि हमारे भारतीय शासन प्रणाली की बहुत अच्छी विशेषता पाई जाती है जो कि संसदीय है, ठीक है, मतलब संसद है। संसद के बेटा दो सदन होते हैं, पहला होता है राज्यसभा, दूसरा होता है लोकसभा, ठीक है। इंग्लिश में राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है, हिंदी में भी अपर हाउस, ऊपरी सदन बोला जाता है, ठीक है। और जो लोअर हाउस होता है वो होता है लोकसभा, जिसको हिंदी में बोला जाता है निचली सदन, ठीक है। ये है, तो हम पढ़ते हैं, पहले कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उन वर्ड्स को हम रीड करेंगे। निरंकुश या स्वेच्छारी, आपने अपने सेकंड चैप्टर में देखा था निरंकुश का मतलब क्या था। निरंकुश वो होते हैं जो अपने ही अपने अकॉर्डिंग सारा काम करते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। वो ये नहीं देखते कि सामने वाले व्यक्ति के साथ में अच्छा काम हो रहा है या उसकी भलाई हो रही है या नहीं हो रही, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको ये फर्क पड़ता है कि हमारा बेनिफिट होना चाहिए, हमारे सारे काम होने चाहिए, बस। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कहीं होते हैं निरंकुश राजा, है ना, निरंकुश सम्राट। वो क्या करते हैं, वो सिर्फ अपनी ही अपनी बेनिफिट के लिए, अपने ही अपने लाभ के लिए सारा काम करते रहते हैं, दूसरों के बारे में कोई भलाई नहीं सोचते, अपनी प्रजा की कोई भलाई नहीं रखते। उसको बोला जाता है निरअंकुश, मतलब कि जिस पर अंकुश ना हो। निरअंकुश मतलब किसी पर अंकुश ना हो, मतलब कि बेटा अंकुश का मतलब होता है रोक, मतलब कि जो हमारी जो सरकार है वो निरंकुश नहीं है, मतलब उनकी जो पावर्स हैं, उनके जो कार्य क्षेत्र है वो भी लिमिटेड है, मतलब कि वो भी गैर कानूनी काम नहीं कर सकते। और स्वेच्छारी का मतलब आपको पता ही है, अपनी इच्छा, स्वयं की इच्छा के अकॉर्डिंग, ठीक है। मताधिकार, मताधिकार का आपको सभी को पता है कि वोट देने का अधिकार, ठीक है। और हमारी जो इंडिया है उसमें क्या है, जब वोट देने की 18 वर्ष, जिसको बोला जाता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ठीक है। नेक्स्ट है गणपूर्ति, मीनिंग किसी बैठक में सदस्यों की न्यूनतम संख्या में उपस्थित, उस बैठक के शुरू होने या कोई निर्णय लेने के लिए अनिवार्य है। मतलब कि कोई बैठक शुरू करी गई है, किसी बैठक मतलब कोई मीटिंग रखी गई है, ठीक है, और उस मीटिंग में मीटिंग को शुरू करने के लिए जो कोई एक डिसीजन लिया जाता है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। गणपूर्ति मतलब कि जरूरी, ठीक है, गणपूर्ति, सबकी मतों की पूर्ति होना। नेक्स्ट पॉइंट है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, आपको पता ही है जो हमारे इंडिया में सभी 18 वर्ष और उससे ऊपरी के जितने भी लोग होते हैं उनको यह अधिकार प्राप्त अधिकार दिया गया है, जिसको बोला गया है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ठीक है। अब आते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का, वो है भारत में संसदीय प्रणाली क्यों अपनाई गई है। मतलब कि जो संसदीय प्रणाली है, संसद है हमारी सरकार में, उसके दो अंग हैं, वो क्यों अपनाई गई है, रीजन। भारत में एक लंबे वर्ष के बाद स्वतंत्रता प्राप्त हुई, सभी को पता है। संविधान निर्माता अधिकतर वे लोग थे जो राष्ट्र के नायक थे, मतलब कि एक तो सबसे पहले हमारे देश में जो 1947 में जो इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, मतलब 15 अगस्त 1947, बेटा आप लोग ये बात ध्यान रखेंगे, 15 अगस्त 1947 को भारत किससे आजाद हुआ था, पाकिस्तान से आजाद हुआ था। तो सीधी सीधी बात है, पाकिस्तान भी आजाद हुआ था, भारत आजाद हुआ तो मतलब पाकिस्तान भी आजाद हुआ, तो पाकिस्तान भी तो अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता होगा। तो आप लोगों को क्या पता है पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब आता है? लक्षिता, सोनिया, तनुज, आपको पता है बेटा कब आता है? 14, 14? नहीं बच्चे, हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 15 अगस्त को, और
और जो पाकिस्तान हुआ था वो हुआ था 14 अगस्त को, मतलब कि वो जो समझौता, मतलब सबको अलग अलग बाउंड्री करने की जो समझौता करा गया था ना, वो समझौता हुआ था बेटा 14 की रात, और मतलब कि युद्ध 12 बजे के बाद है ना, तो 14 का रात के 12 बज गए थे, 15वां दिन शुरू हो गया था, लेकिन रात किसकी चल रही थी, 14 की रात, और दिन कौन सा लग गया था, 15, मतलब तारीख कौन सी थी, 15। तो आपको ये बात याद रखनी है कि भारत पाकिस्तान के समझौते को हस्ताक्षर हुए थे वो 14 की रात, और 15 के शुरू हो गया था, मतलब कि आधी रात को हुआ था, इसीलिए उस टाइम डिसाइड किया गया कि दोनों में से कब कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो पाकिस्तान का तय हुआ वो 14 अगस्त को मनाएंगे, और इंडिया का तय हुआ वो 15 अगस्त को मनाएंगे। तो आप लोग याद रखेंगे पाकिस्तान स्वतंत्र कब हुआ था। बिल्कुल ठीक है, हाँ जी ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे देश का संविधान बनाया गया, ठीक है, मतलब कि संविधान बना जो कि 46 में बनना शुरू हो गया था, 1946 में बनना शुरू हो गया था। तो बेटा ये जो संविधान बनाने में जो अहम भूमिका रखी थी वो रखी थी हमारे देश के नायक ने, मतलब कि जो हीरोज थे, जो हमारे देश में बड़े बड़े हीरो थे ना, जो उस टाइम पे जिन्होंने स्वतंत्रता दिलवाने में बहुत ज्यादा मदद की थी, उन्होंने उनकी राष्ट्र के लिए एक सोच थी, मतलब ये सभी अपने देश के लिए एक ही सोच रखते थे, साथ ही भारत के विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों के हित और आकांक्षाओं का भी प्रतिनिधित्व करते थे, मतलब कि हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं उन नागरिकों की आकांक्षाओं इच्छाओं, मतलब कि हमारे देश के नागरिक क्या चाह रहे हैं, उनको उनके साथ बहुत सालों से प्रताड़नाएं हो रही थी, गलत कार्य हो रहा था, तो उनके साथ में कैसे क्या व्यवहार करना चाहिए, मतलब उनको किस किस चीजों की नीड होगी, जिन जिन चीजों को उनको संविधान में रखना था। उन्होंने भारत के लिए संसदीय स्वरूप की सरकार का चयन किया, संसदीय प्रणाली मंत्री परिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का काम करती है, मतलब कि जो संसद है उनका मेन काम क्या होता है, जो मंत्री परिषद होते हैं, मंत्री होते हैं, उनका सामूहिक उत्तरदायित्व, मतलब कि जो मंत्री परिषद है बेटा वो सिर्फ एक नहीं है, वो बहुत सारे मंत्रियों का ग्रुप है। इसमें राष्ट्रपति द्वारा ऐसे दल या दलों के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है जिसे सरकार बनाने के लिए लोकसभा का समर्थन हो, मतलब कि बेटा सरकार किसकी बनेगी, सरकार बेटा उसकी बनेगी जिसकी जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो, मतलब कि बहुत सारे मत प्राप्त हो, ठीक है, जिनको जनता ज्यादा पसंद करे। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार को अपनाने के लिए निम्नलिखित कारण थे, मतलब कि भारत में जो संसदीय सरकार अपनाई गई वो विभिन्न कारणों से अपनाई गई, जैसे कि संविधान का निर्माण करने वाले लोग ब्रिटेन में लागू संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था से प्रेरित थे, मतलब कि भारत में जब संविधान निर्माण हो रहा था तो उस टाइम बात ये भी रखी गई कि संविधान में कानूनों और नियमों के साथ साथ ये चीज भी देख रही है कि सरकार कैसे काम करेगी, ठीक है, सरकार किसके अंडर किस प्रकार से काम करेगी, वही तो कहा हमारा संविधान क्या है, संविधान बेटा नियमों और कानूनों का संग्रहालय है, मतलब कि जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, लॉज होते हैं ना, उनका कलेक्शन है, ठीक है, तो उसमें सारे नियम वगैरह लिखे, और वो नियम सिर्फ जनता के लिए नहीं बेटा सरकार के लिए भी लिखे, मतलब कि सरकार किस तरीके से काम करेगी, सरकार में सरकार बनाई कैसे जाएगी, कौन कौन लोग होंगे, वो कार्य कैसे करेगी, देश कैसे चलाएगी, वो सभी संविधान में लिखा हुआ है। तो संविधान लिखते टाइम, संविधान बनाते टाइम संसदीय प्रणाली इसीलिए पसंद की गई क्योंकि जो ब्रिटेन में लागू, मतलब कि हमारे इंडिया का जो संविधान है ना बेटा, उसको बोला जाता है उधार लिया हुआ थैला, ठीक है, उधार लिया हुआ थैला इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे संविधान में इंडिया की चीजें तो बहुत सारी, मतलब इंडिया में भी जो इन्होंने, इंडिया के जो नायक थे जो जो संविधान लिख रहे थे उन्होंने अपने मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग तो बनाई बनाई वो सारी चीजें, लेकिन कुछ वो चीजें भी ली जो और देशों में बहुत ज्यादा अच्छी थी, समझ आई, उधार लिया हुआ थैला मतलब जैसे कि अमेरिका के संविधान से कुछ ले लिया, ब्रिटेन के संविधान से कुछ ले लिया, ठीक है, कनाडा के संविधान से नीति निर्देशक तत्व ले लिए, ये सारी चीजें उन्होंने ली जो जिस देश में ज्यादा अच्छा रूल रेगुलेशन थे, कानून थे, नियम थे, उन्होंने उनसे प्रेरित होकर अपने संविधान में भी डाल लिए। जैसे अब आप लोग हैं, क्या होता है आप लोग कहीं पार्टी फंक्शन में जाते हैं तो देखते हैं कि उसका दुपट्टा बहुत अच्छा है तो सेम आप वैसे जाते हैं, उसका कुर्ता बहुत अच्छा तो आप वैसा कैरी कर लेते हैं ना, कैसे ना कैसे मैचअप करके आप वो सारा कैरी कर लेते हो, तो वो होती है बेटा उसको बोलते हैं कि आपने औरों से प्रेरित
प्रेरित होकर लिया। ऐसे हमारे इंडिया के संविधान में क्या हुआ, और देशों से प्रेरित होकर बहुत सारी चीजें ली गई है, इसीलिए हमारे इंडिया के संविधान को कहा जाता है उधार लिया हुआ थैला। नेक्स्ट, ब्रिटेन से लागू संसदीय लोकतंत्र, मतलब कि ब्रिटेन में थी संसदीय सरकार तो वहां से प्रेरित होकर हमारे इंडिया में भी संसदीय सरकार बनाई गई। नेक्स्ट, संविधान निर्माता भारत में 1919 और 1935 के अधिनियमों द्वारा स्थापित संसदीय संस्थाओं में कार्य प्रणाली से भली भांति परिचित थे, मतलब कि जो 1919 में और 1935 में जिस प्रकार के अधिनियम थे, जिस प्रकार के रूल्स थे, उन सबसे पहले ही ऑलरेडी प्रेरित थे, परिचित थे कि पहले हमारे इंडिया में कैसे क्या कानून बनाए थे। नेक्स्ट, संसदीय प्रणाली उत्तरदायी होती है, मतलब कि बेटा उत्तरदायी तो सरकार जनता के प्रति है ही है, मतलब कि जो भी कार्य करेगी वो जनता के हक में रहकर ही कार्य करेगी। ठीक है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, मतलब कि जो हमारी मंत्रिमंडल होते हैं ना, वो कोई भी कार्य करते हैं, वो पूरे ग्रुप का जो भी कार्य होगा वो लोकसभा के लिए होगा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, मतलब कि जो लोकसभा स्पीकर, जो लोकसभा हेड होगा, उसको अपना जवाब देना होगा। संसद के इन सदन में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। लोकसभा, बेटा जो लोकसभा के हर 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं, जिसमें आपके नरेंद्र मोदी जी चुने गए हैं, ठीक है, तो वो किसके चुनाव थे, वो थे लोकसभा के चुनाव। मतलब सीधी सीधी बात है कि लोकसभा के चुनाव किसके द्वारा किए जाते हैं, अंडरलाइन कर लीजिए इस लाइन को, आप लोग किस लाइन को करेंगे, संसद के इस सदन में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। थर्ड पॉइंट की जो लाइन है इसको, मतलब इस सदन में, लोकसभा की बात आ रही है, मतलब लोकसभा में जो चुनाव होंगे वो किसके द्वारा किए जाएंगे, जनता के द्वारा किए जाएंगे, मतलब जनता अपने अकॉर्डिंग वोट देती है, जो कि 18 वर्ष और 18 वर्ष से बड़े व्यक्ति होते हैं, व्यस्त सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार, तो उनको वोट देगी और उनके द्वारा जिसको बहुमत प्राप्त होगी उसकी सरकार बनेगी। ठीक है, लेकिन अब हमारे इंडिया में क्या बनता है बेटा, गठबंधन, मतलब कि बहुत सारे सरकारों की मिली जुली सरकार बनती है, बहुत सारी पार्टीज की मिली जुली सरकार बनती है ना, इसीलिए सरकार या मंत्री के निरंकुश या स्वेच्छारी होने या तथा तानाशाही की स्थापना की कोई संभावना ही नहीं है। मतलब कि अब एक बात बताओ, निरंकुश राजा हुआ करता था, तो राजा का पद कैसा होता था, राजा के लिए कोई चुनाव थोड़ी ना होता था, वो तो राजा का बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, ऐसे बनते आते थे, है ना, तो वो क्या होते थे, निरंकुश होते थे, उनको पता था उनको कोई हटा नहीं सकता, उनको पद से कोई नहीं हटा सकता, वो पद उनका स्टेबल है ना, मतलब कि राजपाट उन्हीं के परिवार में चलेगा। अब इंडिया में क्या होता है, निरंकुशता है ही नहीं, तानाशाही है ही नहीं, मतलब कि जनता सरकार बना रही है, अब की बार जनता ने जिसको सरकार पे बैठा दिया, जैसे एट प्रेजेंट हमारा जो मेन सेंटर में गवर्नमेंट है वो बीजेपी की है, ठीक है, इस साल कर दी, अगर बीजेपी ने काम सही नहीं किए, मतलब जनता के हक में रहकर नहीं किए, तो क्या अगले 5 साल बाद उसको कोई सरकार बनाएगा, कोई उसको पसंद कर पाएगा, कोई उसको वोट देगा, नहीं देगा, तो क्या सरकार को इस चीज का डर रहता है, इसीलिए वो सारे कार्य जो भी करेगी वो जनता के हक में रहकर करेगी, समझ आ गई, इसीलिए निरंकुश और तानाशाही का किसी प्रकार का कोई नाम ही नहीं होता लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में। और अगर कोई करेगा, कोई अगर तानाशाही करता है, तो बेटा वो अपने पद से ही हाथ धो बैठता है। नेक्स्ट पॉइंट है, संसद अनेक प्रकार से मंत्रियों पर अपना नियंत्रण बनाए रखती है। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण युक्ति है जिसके माध्यम से संसद सदस्य सार्वजनिक महत्व के मामले पर सरकार से जानकारी प्राप्त करता है, मतलब क्वेश्चन मार्क लगा दिया, संसद मंत्रियों पर अपना नियंत्रण बना के रखता है, मतलब जो मेन संसद है, राज्यसभा हो गई, संसद के दो सदन है, राज्यसभा लोकसभा, तो जो मेन है वो क्या मंत्रियों को अपने अंडर रखती है, कैसे, एक कोई बजट निकालना है, एक कोई काम करना है, तो उस डिपार्टमेंट को दे दिया, एजुकेशन डिपार्टमेंट का है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में दे दिया, उन्होंने इतना इतना पैसा बांट दिया, अब क्या है, जो मेन आगे बैठे हुए हैं वो क्या लेंगे, हिसाब लेंगे, प्रश्न चिन्ह लगा देंगे, तुमने ये काम किया, तुमने ये काम कहाँ पे किया, तुमने ये काम क्यों किया, तुमने ये काम कैसे किया, ठीक है, जैसे अब हमारे स्कूल की बात कर लेते हैं, समझ आई, हेड कौन है, डायरेक्टर सर हो गए, फिर प्रिंसिपल मैम हो गई, उसके बाद टीचर्स आ गए, है ना,
अब एक कोई वर्क दिया गया कि तुम्हें इस क्लास में ऐसे ऐसे करवाना है, मैं करवा आई। बाद में प्रिंसिपल मैम बोलेंगे, डायरेक्टर सर बोलेंगे, आपने क्या किया, ऐसा क्यों करवाया, किस लिए करवाया, क्यों? क्योंकि वो मेरे मेरे आ, मेरे मतलब कि वो मेरे हेड है, समझ आई? अब जैसे मैं हूँ क्लास में, आप लोगों से बार बार पूछ देती हूँ तुमने ऐसा क्यों किया, किस लिए किया, समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? मैं तुम पे नियंत्रण करती हूँ, मैं तुम्हारी हेड हूँ तो मैं तुमसे पूछ सकती हूँ, समझ आई? जिससे माध्यम हो गया, कभी कभी प्रश्न के दौरान सरकार की विफलताएं भी उजागर हो जाती है, मतलब कि कभी कभी जब प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं ना कि तुमने ये प्रोजेक्ट इस तरीके से किया, तो कई कई बार क्या होता है, सरकार भी विफल हो जाती है, मतलब कि बेटा ऐसा जरूरी नहीं है हर बार सरकार सफल रहे, ठीक है? कई कई बार सरकार से भी गलत कार्य हो काम हो जाते हैं, बेटा हम ह्यूमन बीइंग हैं, इंसान हैं, गलतियां हर किसी से होती है। नेक्स्ट, विपक्ष मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है, मतलब विपक्ष मंत्री परिषद, मतलब अब बहुत सारे लोग हैं, 545 जो हमारे लोकसभा की लिमिट होती है ना सदस्य की, वो होती है 550 तक, लेकिन अभी तक जो होते हैं कि 545 सदस्य हैं, और इस टाइम जो हमारी लोकसभा के सदस्य हैं वो है 543, 543। अब इतनी बड़ी संख्या के लोग, उसमें गठबंधन की सरकार, मतलब कि एक तो मेन सेंटर में है ही बीजेपी, उसके बाद कांग्रेस की भी होगी, जेजेपी की भी होगी, कुछ लोग बहुजन समाजवादी पार्टी के भी होंगे, ठीक है? तो क्या होता है, मेन सेंटर में बीजेपी है, तो बीजेपी के अगेंस्ट आप लोग हमेशा सुनते हो कौन होता है, कांग्रेस होता है, तो वो होते हैं विपक्ष। अगेंस्ट का मतलब होता है विपक्ष, तो विपक्ष की पार्टी मेन क्या काम करती है, विपक्ष की पार्टी मेन काम करती है कि सामने वाले को किस तरीके से हटाया जा सके, जिसको बोला जाता है अविश्वास प्रस्ताव, समझ आ गई? यह प्रस्ताव पारित हो जाए तो सरकार को त्याग पत्र देना पड़ता है, मतलब कि अब मैंने सामने वाले बंदे के खिलाफ क्या कर दिया, अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया कि इस व्यक्ति ने यह काम गलत किया है, इस व्यक्ति ने यह काम गलत किया है ना? जैसे मैं हूं, मेरे को अगर सामने वाले बंदे ने यूं कह दिया कि तुमने ये काम गलत किया है, ये कलर गलत किया, और वो अगर वाक्य में प्रूव हो गया मेरे अगेंस्ट, तो मुझे मेरा त्याग पत्र, मतलब मुझे मेरा रेजिग्नेशन लेटर देना पड़ेगा, ये जरूरी होती है, ठीक है? अब नेक्स्ट टॉपिक है पेज नंबर C22 पे, संसद का अर्थ क्या होता है। देखिए, भारत में संघीय विधायिका को संसद कहते हैं, संघीय विधायिका मतलब कि मेन सेंटर की जो मतलब होता है हमारा केंद्र, ठीक है? केंद्र में कानून बनाने विधायिका होती है बेटा, जो कानून बनाती है, उसका अर्थ होता है क्या, संसद। तो आप इस लाइन को अंडरलाइन कर लेंगे, भारत में संघीय विधायिका को संसद कहा जाता है। देश में कानून बनाने या उसे परिवर्तन करने का अधिकार संसद को होता है। अभी मैंने आपको बताया संसद क्या करती है, काम कानून बनाती है, लागू करवाती है, ठीक है? क्यों? क्योंकि देश को चलाने का हक किसके पास है, संघीय विधायिका के पास, तो कानून भी वही बनाएगी, लागू भी वही करवाएगी, उसके डिपार्टमेंट्स अलग अलग होते हैं, ठीक है? तो कुछ डिपार्टमेंट का काम होता है कानून बनाना, कुछ डिपार्टमेंट का काम होता है लागू करवाना, लेकिन है तो एक ही ना। अब जैसे हमारा स्कूल है, स्कूल में कोई कोई टीचर कुछ सब्जेक्ट पढ़ाता है, कोई टीचर कुछ सब्जेक्ट पढ़ाता है, कोई मैनेजमेंट होता है, कोई अकाउंटेंट में होता है, लेकिन स्कूल तो एक ही है ना, उसके डिपार्टमेंट्स अलग अलग है। ऐसे ही संसदीय सरकार एक ही है, उसके डिपार्टमेंट्स अलग अलग है। तो जो संसद होती है बेटा, वही अपने कानूनों को बदल सकती है, वही लागू करवा सकती है। संसद के पास संघीय कार्यपालिका अर्थात संघीय मंत्री परिषद पर नियंत्रण की शक्ति भी निहित है, मतलब कि संसद कार्यपालिका पर भी अपना नियंत्रण रख सकती है, क्योंकि संसद क्या है, संसद मेन सेंटर है, ठीक है? संविधान में कहा गया है कि भारतीय संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों, जिसके नाम लोकसभा और राज्यसभा होगा, मतलब कि हमारे संसद है उसके दो सदन है। अंडरलाइन करिए इस लाइन को, भारतीय संघ के लिए एक सदन होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों, जिसका नाम लोकसभा और राज्यसभा, मतलब कि हमारा जो संसद है उसका सबसे बड़ा हेड कौन है, हमारा राष्ट्रपति, समझ आ गई? मेन मेन कौन है संसद का, मेन तीन अंग, मतलब कि दो सदन है और एक हमारा राष्ट्रपति है, ठीक है? तो इस टाइम हमारा राष्ट्रपति कौन है बेटा? हाँ जी सोनिया, हमारा राष्ट्रपति कौन है बताइए बेटा, कौन है हमारे राष्ट्रपति, लिख लीजिए राष्ट्रपति कौन,
आप अंडरलाइन करके ऊपर लिख लीजिए, श्री रामनाथ कोविंद, ठीक है। अतः संघीय संसद राष्ट्रपति के बिना है, मतलब कि संसद के दो सदन है, कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। मेन एक और है कौन, राष्ट्रपति, ठीक है। तो संसद इन तीनों के बिना, मतलब कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों के बिना ही क्या है, पूरी नहीं है। हालांकि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन में नहीं बैठता, किंतु वे किसी भी सदन की बैठक या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में संबोधित कर सकता है। मतलब कि बेटा संसद के दो सदन होते हैं, हमने पढ़ा ऊपरी सदन होता है राज्यसभा, ठीक है। तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, जो हेड होता है, राज्यसभा का जो सदन है उसका जो अध्यक्ष हेड होता है वो होता है उपराष्ट्रपति, ठीक है, जो हमारे इसमें है वेंकय नायडू, श्री वेंकय नायडू, ठीक है। और लोकसभा का जो होता है वो होता है लोकसभा स्पीकर, जो कि इस टाइम है आई थिंक ओम बिरला है, हाँ जी शायद ओम बिरला है, ठीक है। तो वो स्पीकर ओम बिरला हो गए, मतलब कि लोकसभा के अध्यक्ष हो गए। फिर राष्ट्रपति कहाँ है बेटा, राष्ट्रपति इन दोनों सदनों से अलग है, मतलब कि वो मेन है, हमारे देश का प्रथम पुरुष है, ठीक है। संसद में हमने तीन पढ़ा, पहले आता है राष्ट्रपति, फिर आता है राज्यसभा, फिर आता है लोकसभा, ठीक है। तो जो राज्यसभा होता है वो दोनों सदनों में बैठता नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति के पास इतना हक है कि वो दोनों सदनों की बैठक बुला सकता है और उन दोनों सदनों की बैठक मतलब मीटिंग का हेड बन, ठीक है, और संसद में अपने संदेश भेज सकता है। मतलब कि राष्ट्रपति संसद में बैठता नहीं है, दोनों सदनों में सॉरी सदनों में बैठता नहीं है, लेकिन उनकी मीटिंग बुला सकता है, उन मीटिंग की हेड बन सकता है और सदन में अपना संदेश, अपना लेटर भी भेज सकता है। इसके अतिरिक्त संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन प्राप्त हुए बिना कानून नहीं बन सकता। मतलब कि अगर कोई कानून बनाना है, कोई नियम लागू कराना है, किसी प्रकार का कोई बजट पेश करना है, या कोई भी लेटर होता है ना जिसको हाँ की मंजूरी होती है, हाँ ठीक है इसको पास कर दो आगे चलो, है ना। जैसे हम हमारे स्कूल में होते हैं, तो हमारे स्कूल में अगर हमें कोई भी फंक्शन कराना है, कुछ भी करना है बच्चों को, अगर कोई भी एप्लीकेशन, तो उनको प्रिंसिपल मैम तक हाँ पहुंचाना होता है ना। तो वैसे ही बेटा कि बेशक से राष्ट्रपति सदनों में ना बैठे, लेकिन अगर कोई भी लेटर, उसको कोई भी बिल पास कराना हो, तो वो राष्ट्रपति के बिना वो पास नहीं हो सकता। मतलब मेन सिग्नेचर तो राष्ट्रपति के ही लगेंगे, ठीक है। अब आता है बेटा हमारा संसद का एक था पार्ट, जिसको हमने लोकसभा पढ़ा था, जो कि हमारा निचला सदन होता है। अब लोकसभा टॉपिक दिया हुआ है आपका यहाँ पे लोकसभा का, ये रहा, ठीक है। तो इसके साइड में आप ब्रैकेट डाल के लिखेंगे निचला सदन, निचला सदन, न छोटी की मात्रा, चै ले आ और सदन है सदन। देखिए लोकसभा सदन का निचला सदन है, मत लिखिए नीचे लाइन आई गई है वाली, यह जनता का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब कि जो लोकसभा में जितने भी सदस्य होते हैं, उनका चुनाव किसके द्वारा होता है, वो जनता के द्वारा चुने हुए होते हैं, मतलब कि हमारे जैसे लोगों के द्वारा चुने हुए होते हैं। अब देखते हैं लोकसभा की संरचना, मतलब लोकसभा कैसे बनती है। संविधान के द्वारा लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई है, ठीक है। मतलब कि सबसे ज्यादा इसमें लास्ट इसकी संख्या हो सकती है सदस्यों की 552, इसमें से 530, 530 सदस्य राज्यों से चुने होते हैं। मतलब कि जो 530 सदस्यों का चुनाव होता है वो कहाँ से होता है, जनता करती है, ठीक है, जनता करेगी उनका चुनाव। तथा अधिकाधिक अधिकाधिक 20 सदस्य केंद्र शासित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। केंद्र शासित क्षेत्र बेटा वो क्षेत्र होते हैं, जैसे अभी हमारे देश में क्या है, 28 राज्य, ठीक है, बाकी के हमारे कितने हैं, आठ, पहले 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, अब कितने हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, क्योंकि हमारा जो दीव दमन है और जो हमारा दादर नगर हवेली है उनको मर्ज कर दिया गया है, एक बना दिया गया है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश वो प्रदेश होते हैं जिनके अपने राज्य की कोई सरकार नहीं होती, ठीक है, वो केंद्र के द्वारा चले जाते हैं, मतलब कि जो मेन हमारा सेंटर, हमारी राजधानी है, उसके द्वारा चलाए जाएंगे, ठीक है। तो 530 सदस्य है, मतलब कि 500, 550 में से 530 सदस्य तो जनता उनको चुनेगी, और 20 सदस्यों को कहां से लिया जाएगा, केंद्र
शासित प्रदेशों के द्वारा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति आंगल समुदाय, भारतीय समुदाय बेटा, ये जो आंगल समुदाय है इनको बोला जाता है एंग्लो इंडियन, ठीक है, एंग्लो इंडियन जिसके सदस्य होते हैं दो, ठीक है, जो हमारे लोकसभा में एंग्लो इंडियन की जो जो जितनी संख्या है वो होती है दो, जिनको राष्ट्रपति चुनता है। देखिए आंगल भारतीय समुदाय एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के अधिक से अधिक दो सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, मतलब कि जो एंग्लो इंडियन होते हैं ये वो होते हैं बेटा जो कि यूरोपियन कंट्रीज के होते हैं, वो बहुत वर्षों से मतलब कि हमारे इंडिपेंडेंस से पहले से ही उनकी पूर्वज हमारे इंडिया में चलती आ रही है, ठीक है, उनकी फैमिली यहाँ के रही होगी, बसी होगी, तो वो अभी तक चलते आ रहे चलते रहे, वो प्रॉपर हमारे इंडिया के नहीं होते, समझ आ गई, उनको बोला गया है एंग्लो इंडियन, जिनकी लोकसभा में लास्ट से लास्ट कितनी वो होती है नंबर होते हैं, वो दो होते हैं, दो सदस्य होते हैं, और उनको कौन चुनता है, राष्ट्रपति चुनता है। अब बात आती है मैम इस टाइम हमारे देश में एंग्लो इंडियन की सदस्य सीट पर कौन है, बेटा कोई नहीं है, ये जो दो सीट है ना वो अभी खाली है हमारे देश में, ठीक है। यदि वह महसूस करते हैं कि उन्हें प्राप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है, वर्तमान समय में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है, अंडरलाइन कर लीजिए इसको, वर्तमान में लोकसभा की संख्या 545 है, जिसमें से आंगल भारतीय समुदाय के दो सदस्य भी सम्मिलित हैं, विभिन्न राज्यों के सदस्यों का आवंटन मोटे तौर पर उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, मतलब कि 545 में से जनता चुनेगी, तो जनता को किस हक पर, मतलब कि जो सरकार को सीट मिलती है कि हरियाणा से इसको इतनी सीट मिली, हरियाणा से लोकसभा की 10 सीटें हैं, ठीक है, हरियाणा से लोकसभा की 10 सीटें हैं, और राजस्थान से लोकसभा की 90 सीटें हैं, 90 नहीं इतनी है 29 या 30 समथिंग है, सॉरी वो तो उसकी है, ठीक है, तो ये बात है। तो अब बेटा बात यहाँ आती है कि कैसे मिलते हैं ये सीटें, जो हमारे इंडिया से हमारे हरियाणा से 10 सीटें हैं लोकसभा की, वो कैसे मिलेगी, हमारा जो हरियाणा की जनसंख्या है ना, जितनी भी जनसंख्या है वयस्क मताधिकार वाली, मतलब कि जो 18 वर्ष और 18 वर्ष से ऊपर है, उनका रेशो निकाला जाता है और उन रेशो के अकॉर्डिंग संख्या बांटी जाती है, उन रेशो के अकॉर्डिंग सीट्स बांटी जाती है, तो इसको बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है, ठीक है। ये था हमारा लोकसभा की संरचना कि हमारे लोकसभा में कितनी सीट्स है, अभी इस टाइम हमारी लोकसभा में 545 सीट्स है, जिसमें से दो एंग्लो इंडियन की होती है। अब आप लोगों से कोई पूछे तो कह देना एंग्लो इंडियन इस टाइम हमारे देश में नहीं है, मतलब सीट्स खाली हैं, इसलिए हमारे देश में लोकसभा में जो सदस्य हैं वो हैं 543। नेक्स्ट आता है सीटों का आरक्षण, आरक्षण मतलब सेफ किया हुआ, मतलब कि कितनी सीटों को सेफ किया गया होता है लोकसभा में। देखिए लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षित की गई है, मतलब कि ये दो कास्ट होती है बेटा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, जिनके लिए कुछ कुछ सीटें लोकसभा में सेफ की गई है कि इन सीटों पे इतने इस कास्ट के इन जाति के लोग ही आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है मत अधिकार, सीधी सीधी बात है, मत अधिकार को आप यही पहचानेंगे वोट देने का अधिकार, समझ आ गई, मतलब वोट देने का अधिकार, हम वोट देते हैं और इंडिया में 18 वर्ष और 18 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्ति जितने भी होते हैं वो वोट देते हैं, जिसको बोला जाता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। देखिए लोकसभा का गठन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा किया गया है, अतः लोकसभा के गठन के लिए चुनाव में उन सभी जातियों को, उन सभी व्यक्तियों को मतदान करने का अधिकार है जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं और जिन्हें किसी अन्य कारण से मतदान से वंचित न कर दिया हो, मतलब कि बेटा 18 वर्ष और 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोग हमारे भारत में डायरेक्ट वोट कर सकते हैं, मतलब कि वो वोट डालेंगे लोकसभा के लिए, विधानसभा के लिए, इनके लिए वोट डालेंगे, ठीक है, और अपनी सरकार बनाएंगे, ये होता है, इसको बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जो मैं आपको सेकंड चैप्टर में बता चुकी हूँ कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है, ठीक है। तो बेटा आज के लिए हम इतनी ही रीड करते हैं, पेज नंबर C23 ये हम हमारा कल रीड करेंगे, कल की क्लास में रीड करेंगे। तो बेटा आज का जितना भी मैंने आपको रीड कराया समझ आया,
नक्षिता और तनु। समझ आया बेटा? समझ है ही नहीं, 2 मिनट रहता है वो डेली का, तो यही सिस्टम है। ठीक है, कोई नहीं, आप लोगों को समझ आया तो आज आप लोगों का होमवर्क है बच्चे, आप लोग ये जो हमारा पेज हमने आज रीड किया है इसमें से आप दोबारा रीड करेंगे और इन बिटवीन क्वेश्चंस फाइंड आउट करेंगे और इवनिंग तक मुझे सबमिट करवाएंगे। ठीक है? ठीक है, हाँ जी ठीक है बच्चे, बाकी हम कल कर लेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट जो पेज है उसको हम कल रीड करेंगे। ठीक है, थैंक यू, ठीक कर जाइए बेटा। ओके बेटा।